ये हमने यहाँ पर अब थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया है। यहाँ पर ये तीन मोती डाल दी हैं, इसके बाद में हमने ये फिर से अलग अलग ये ले लिए हैं। इसको हम आसानी से कैसे पो सकते हैं उसको देखिए आप। पोने का काम हम घर पे आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये पुराना वाला मंगलसूत्र है, इससे ये जो मोती है इनको आसानी से, अगर हमको बिना बिखरे डालना है तो इसका जो ये टूटा हुआ धागा होता है, इसको हम इसके जो धागे होते हैं इस पे ऐसे बांध देंगे ऐसे सिंगल को, और फिर इसको आसानी से हम ऐसे पूरे के पूरे जो सेट बना हुआ है इसका, इसको पूरे के पूरे हम ऐसे सेट का सेट इस पे डाल सकते हैं। ये तो ये आसानी से इधर साइड आ जाता है, तो हमको इसको सेट बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये यहाँ से देख रहे हैं आप पार हो गया है, और ये इतने माले आप इसमें आ जाएंगे यहाँ पर नए धागे में। नए धागे में ये इसी प्रकार हम बाकियों में भी डाल देंगे इसी प्रकार। देख रहे हैं आप, ये हमें एक तो इससे दो लड़ जो है मंगलसूत्र की, वो तो हमको इस मंगलसूत्र से मिल जा रही है कम्प्लीटली। यहाँ से देखिए इस पे दो है पहले से, तो दो तो हमको यहाँ से मिल जा रही है, पर एक जो है वो हमको यहाँ से, ये जो मार्केट से हम लेते हैं उससे हमको यहाँ से एक ही कंप्लीट करना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था भी कि कैसे हम इसको ये करते हैं, तो इस प्रकार से हम इस पे जॉइंट लगा लेते हैं, और ये वाले जो हैं जितने जितने मोती इस पे यहाँ पर हुए हैं पोए हुए हैं जितने मोती, उतने ही बराबर मोती हम यहाँ से इसमें ये कर लेंगे। तो ये वाला और हमारे ये वाले जो नए वाले हैं, ये हमारे कंप्लीट बराबर होना चाहिए। तो इसको हम ये नए वाले धागे से इसको ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे लेके आएंगे ऐसे। तो यहाँ हमने मार ली है गठान, और इसको हम ऐसे करके इसे ऐसे कुदा देंगे। तो ये हमारे मंगलसूत्र वाले जो धागे हमने जो लिए हैं उसमें ये आसानी से आ जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा देख रहे हैं आप, ये तीनों हमारे मोती जो है, मोतियों की माला जो है वो बराबर हो चुकी है। देख रहे हैं आप, ये हमारे बराबर हो चुके हैं। अब इसके बाद फिर हम इस टाइप की मोती डाल के यहाँ पर तीनों को इकट्ठे करके एक से मोती डाल के, और इसको फिर से ऐसी वाली डिज़ाइन हम बनाएंगे। ये देख रहे हैं हमारी डिज़ाइन बनते चली आ रही है। ये इस प्रकार हमने तीनों के अंदर से ये मंगलसूत्र का जो धागा है, एक धागा को ले लिया है, और यहाँ अब हम इसमें ऐसे इकट्ठा करके इसको ऐसे गठान मार लेंगे। ऐसे ये हमने गठान मार लिया। अब ये जो है इनको हम यहाँ से ऐसे सरकाते हुए, ये जो है इसको ऐसे सरकाते हुए उधर ले जा लेंगे।
जी, ये तीनों को हमने एक साथ मंगलसूत्र वाले धागे में पुल लिया है। इस प्रकार हमारी ये मंगलसूत्र की एक पत्ती इस पे लग चुकी है। आप चाहो तो यहाँ पर दोनों तरफ एक एक माले भी बढ़ा सकते थे, पर आपको जैसी डिजाइन चाहिए वैसे। तो हम यहाँ पर पत्ती में दोनों तरफ एक एक मोती ही डालेंगे, और यहाँ हमने तीन मोती डाला है डिज़ाइन के अनुसार। और अब हम ये वाली डिज़ाइन यहाँ तैयार करेंगे। आपके मनी अगर बिखर जाए, कभी मंगलसूत्र में टूट कर बिखर जाए, तो उन्हें आसानी से आप ऐसे एक धागा और ये तार जो है ऐसे पिरो के एक धागे में, और ऐसे आसानी से इसे उठा सकते हो आप। ऐसे इसे आसानी से आप उठा सकते हो। तो ये जो तार लिया था मैंने, इसका मुंह फैल गया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा इस पर आठ भर दी है, और उसका मुंह देख रहे हैं आप ऐसे एक सुई के समान हो गया है। अब आप आसानी से देख सकते हैं। अब ऐसे इसको हम एक एक मोती को ऐसे उठा लिया उठा सकते हैं ऐसे। आप देखते रहिए, मेरा कैमरा थोड़ा हिल जा रहा है। ऐसे हम इसे जल्दी से उठा सकते हैं। ये काम हम फुर्सत में बैठ के कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे उठा सकते हैं। इसको उठा के हम एक धागे में पोकर रख लें, तो इससे हम आसानी से मंगलसूत्र में फिर पिरो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ऐसे हम इसको धागे में भर लेते हैं। इस प्रकार ये हमारा आधा जो है मंगलसूत्र वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप ये, सेम टू सेम यही डिज़ाइन हमारी अब दूसरे साइड बनेगी। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। हमें इस मणि को पोते समय ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी संख्या तो बराबर हो, प्लस कहीं ये तीनों अलग अलग चलते हैं। और फिर अब ये जैसे बराबर हो गए हैं, तो इसके बाद में इस प्रकार की डिज़ाइन डालने के लिए, या फिर ये वाली तीन मोती डालने के लिए, अब हम इनको तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा। ये देख रहे हैं तीनों धागे अलग अलग हैं। जब हमको ये छोटे वाले दाने दाना डालना रहता है इसमें, तो हम इसको अलग अलग लेते हैं, और जब ये हमको बड़े वाले मनी डालना रहता है ये वाले, तब हम इनको तीनों को ऐसे साथ में लेते हैं, ऐसे तीनों को इकट्ठे साथ में लेते हैं। और फिर यहाँ से हम इसमें से एक धागा, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, इसमें तीनों में एक साथ बांध के इनको हम दो को यहाँ से कर लेंगे, और एक ये जो है हमारे पास में, यहाँ से हम अलग से बढ़ा देंगे। इस प्रकार हमने यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, ये दो मोती को इन सारी के सारे जो धागे हैं इनमें पिरो लिया। ये हमारी अब फाइनल स्टेज चल रही है। देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से हम इसमें
अलग से सिंगल सिंगल डाल रहे हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद में हम इसको यहाँ से ऐसे रो लेंगे। लास्ट यहाँ हमने तार फंसाया है और ये हमारे तीनों धागे इसमें फंसे हुए हैं, और ऐसे करके हम इसको ये तार में ऐसे करके वो डाल लेंगे। पहली बार जब हम ये वाला पोते हैं तो इसको हमको इधर साइड से पोना पड़ता है, और लास्ट वाले को हमको इधर साइड से पोना पड़ता है। ये सावधानी रखनी पड़ती है।